प्राइवेट प्लेसमेंट, कई बार कंपनी कोई मर्चेंट बैंकर को, कोई अदर कंपनी को, कोई फॉर्म को बल्क से दे देती है, बाद में वो कंपनी विद द साइन ऑफ टू डायरेक्टर्स और मोर देन वन हाफ ऑफ द पार्टनर्स का साइन करवा के पब्लिक को इनवाइट करके इश्यू कर सकती है। सबसे पहले व्हाट इज द प्राइवेट प्लेसमेंट एंड व्हिच सेक्शन आर रिक्वायर्ड टू सैटिस्फाई फॉर द प्राइवेट प्लेसमेंट। आपको एक ग्रुप ऑफ पीपल को, ग्रुप ऑफ कंपनी को, एक सिंगल ग्रुप को से देना चाहते हो तो प्राइवेट प्लेसमेंट माना जाएगा। और प्राइवेट प्लेसमेंट से पहले आपको सेक्शन 42 अप्लाई करना पड़ेगा, बाद में आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो। उसमें सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को आप ऑफर लेटर देते हो एंड ऑफर लेटर देना वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ऑफर लेटर वो भी आपके सब कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो आपका ऑफर ऑफ द प्राइवेट प्लेसमेंट करेक्ट माना जाएगा। सबसे पहले प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर लेटर होना चाहिए। मैक्सिमम आपको प्राइवेट प्लेसमेंट करना है तो प्राइवेट प्लेसमेंट कितने लोगों तक कर सकते हो? नॉट मोर देन 50, यानी आपको 50 ओनली यू कैन इनवाइट। 50 लोगों को आप प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए इनवाइट कर सकते हो। और एक केस में भी डिस्क्राइब, एक ने बोला है उतने, एक मैक्सिमम 200 लोग बोल सकते हैं। तो आपको जनरली 50 लोगों से कम लोगों को, ग्रुप को आप इनवाइट करते हो, बाई नेम इनवाइट करते हो तो प्राइवेट प्लेसमेंट माना जाएगा। 50 की लिमिट काउंट करने के टाइम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट बायर्स काउंट नहीं होंगे, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट बायर एक्सक्लूड होंगे। एम्प्लॉइज जो हम बाय द वे बिशॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन भी हम उसको इश्यू करते हैं सिक्योरिटीज, तो क्वालिफाइंग इंस्टीट्यूट एंड एम्प्लॉइज, क्वालिफाइंग इंस्टीट्यूट एंड एम्प्लॉय वो प्राइवेट प्लेसमेंट के 50 के लिमिट में नहीं आएगा। आपको सेक्शन 42 कंप्लाई करना है, इसीलिए इनविटेशन का है जो आपका ऑफर है उसके लिए आपको कंडीशन सेटिस्फाइड करना है। एज में भी प्रिस्क्राइब, एज में भी प्रिस्क्राइब कंडीशन सेटिस्फाइड करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको फॉर्म एंड मैनर कैसे आपको प्राइवेट प्लेसमेंट करना वो आपको बताता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल, रेगुलेशन, कंडीशन, कंप्लायंस बोला है कि कैसे आपको प्राइवेट प्लेसमेंट करना। अभी रिकॉर्डिंग ऑफ द रिकॉर्ड्स, नेम्स एंड फाइलिंग ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, आपके पास पहले से जिसका नाम नंबर था उसको ही आप प्लेसमेंट के लिए यानी फेयर परचेस के लिए इन्वाइट कर सकते हो, नए लोगों को नहीं। जिसको इन्वाइट करते हो उसको बाई नेम ही इन्वाइट करना है, जिसको आपने इनवाइट किया है ना वही एक्सेप्ट कर सकता है, उसका पड़ोसी, उसका अदर बॉयफ्रेंड वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन, किस किस को आपने इनवाइट किया है, किसने आपसे परचेस किया है, वो सब डिटेल आपको एज में प्रिस्क्राइब संभाल के रखना है। 11 प्राइवेट प्लेसमेंट सर्कुलेशन करने के बाद 30 दिन के अंदर आपको आरओसी को कंप्लीट इंफॉर्मेशन फाइल करना है। आरओसी के अंदर तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो आपको 30 दिन के अंदर फाइल करना है। कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, आपको केस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, इसका मतलब आप कहीं भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो आपको कंसीडरेशन मिल रहा है, इट कुड बी इन द चेक और डिमांड ड्राफ्ट और एनी अदर बैंकिंग चैनल। आपको प्राइवेट प्लेसमेंट का कंसीडरेशन बैंकिंग चैनल से मिलना चाहिए। वॉट एवर यू हैव रिसीव्ड द मनी, आपने प्राइवेट प्लेसमेंट में जो आपको मनी मिला है वो आपको सेपरेट शेड्यूल बैंक में रखना है, वो आपको सेपरेट शेड्यूल बैंक में रखना है। आपके ये जो मनी है वो आपको यूटिलाइज करना है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ विच अगेंस्ट अलॉटमेंट, एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल बी एडजस्ट अगेंस्ट अलॉटमेंट, अलॉटमेंट एज वेल एज इफ यू आर रिटर्निंग, रिफंडिंग, रिपेइंग एट दैट टाइम अमाउंट ऑल्सो शुड बी रिपेड। आप रिजेक्ट कर रहे हो तो आप विथ रीजन वो मनी वापस भी दे सकते हो, एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में ले जाओ और आप वापस दे दो। अलॉटमेंट कितने दिन में करना है आपको? 60 डेज में। एप्लीकेशन मनी मिला है उसे 60 दिन के अंदर आपको अलॉटमेंट कर देना है। 60 दिन में अलॉटमेंट नहीं करोगे तो 15 दिन, 60 दिन है
उसमें वो अलॉट करने आए हो, अलॉट नहीं होने की वजह से 15 दिन में रिफंड करना है, और रिफंड नहीं किया है तो एक्सपायरी ऑफ 15 डेज में रिफंड नहीं किया है तो आपको 60 दिन खत्म हुए तब से लेके 12% इंटरेस्ट पर एनम स्टार्ट हो जाएगा। पहले आपको 60 डेज बोला है, अलॉट नहीं हुआ 60 डेज, 15 दिन में आपको वापिस देना है, वापिस भी नहीं दिया तो जब से 60 डेज खत्म हुए ना तब से ब्याज आपको इंटरेस्ट आपको पे करना है 12% इंटरेस्ट। No further offer pending for the earlier offer. एक बार प्लान ऑफर पेंडिंग है तो प्लान ऑफर पहले कंप्लीट करो, प्लान ऑफर विड्रॉ करो, अबैंडन करो, बाद में आप नया ऑफर कर सकते हो। No public advertisement. आप उसके लिए किसी भी तरीके के एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकते हैं। कंपनी को कोई भी मार्केटिंग मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल यूज नहीं करना है। लार्ज अमाउंट ऑफ ऑफर उसको आपको यूज नहीं करना है, यानी आपको जो एडवर्टाइजमेंट देना है वो एडवर्टाइजमेंट पब्लिक प्लेसमेंट में मैगजीन में आप नहीं दे सकते हैं। फाइलिंग ऑफ द रीजन ऑफ अलॉटमेंट, आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आरओसी में रेगुलरली फाइल करवाना है, उसमें आपको सिविल होल्डर का नाम है, उसका एड्रेस है, नंबर है, अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, वो सब चीज़ आपको अलॉटमेंट के साथ फाइल करवाना है। कंट्रावेंशन, कोई भी आपने प्रोविजन का कंट्रावेंशन किया तो वो ज़्यादा नहीं पेनल्टी लगेगी, अमाउंट इनवॉल्व और 2 करोड़ बीच इज हायर नॉट लोअर, अमाउंट इनवॉल्व इज 1 रुपीज एंड 2 करोड़ द पेनल्टी, हायर इज 2 करोड़। पब्लिक ऑफर, व्हाट अमाउंट टू पब्लिक ऑफर, हम जब मेक ऑफर इनवाइट सब्सक्राइब कोई भी करते हैं अलॉट मोर देन डिस्क्राइब नंबर ऑफ मेंबर्स करते हैं तो पब्लिक ऑफर हो जाएगा, मॉडल विस्का नंबर मेंबर का पब्लिक ऑफर हो जाएगा। पब्लिक ऑफर है वो क्या है, डीम टू बी ऑफर टू द पब्लिक, पब्लिक को एक आप इनवाइट कर रहे हो, वो लिस्टिंग है, लिस्टिंग नॉट लिस्टेड है कि आपने से इंटेंट लिया है या नहीं लिया है, और आपको सिक्योरिटी अग्रीमेंट मिला है या नहीं मिला है, इट विल नॉट मेक एनी ऑफ योर डिफरेंस, आपने पब्लिक को इन्वाइट किया रिलीज होने से पब्लिक ऑफर। प्राइवेट प्लेसमेंट की कंडीशन डिसेटिस्फाइड होगी तो प्राइवेट प्लेसमेंट की कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं करें तो आपको प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक ऑफर माना जाएगा, इसीलिए कंपनी को कंप्लाई करना है सिक्योरिटी एक्सचेंज एक्ट वो देट। एक बार आपका कंप्लाई, एक बार आपको फिक्स हो गया कि ये पब्लिक ऑफर है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट से भी वो सब एक कंपनी से अप्लाई होंगे फॉर द पब्लिक ऑफर। प्रोविजन ऑफ द रूल्स, कंडीशन ऑफ द रूल्स फॉर प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट, सबसे पहले आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, एंड अनदर थिंग दैट इज आफ्टर स्पेशल रिजोल्यूशन आपको प्रीवियस स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर भी इन्वाइट कर सकते हो, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर भी इन्वाइट कर सकते हो। स्पेशल रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर नथिंग बट प्राइवेट प्लेसमेंट, लेकिन उसमें एक नया पॉइंट ये है कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर आपको इशू करना है तो एक साल में सेल प्रोस्पेक्टस के तहत एक ही बार आपने इशू किया, एक ही बार आपने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया तो भी आप कंटिन्यू प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो। आपको जनरल मीटिंग के मीटिंग के साथ जो एनेक्स डालना है जस्टिफिकेशन ऑफ द प्राइस भी डालना है कि कहाँ कितना एक्सपेंडिचर होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज आप 20,000 रख सकते हो। बैंक अकाउंट टू बी ऑफ द एप्लीकेंट, आपको जो अमाउंट मिला है वो एप्लीकेंट के बैंक अकाउंट से मिलना चाहिए, उसी में आपको डिपॉजिट करवाना है, और 2 मोर पर्सन है ना वो ज्वाइंट नेम से परचेस करते हैं।